हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल की अलर्ट टू में। दोस्तों अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डे बाय डे की जो है न्यूज़ प्रोवाइड हम आपको करवाते हैं। की अलर्ट टू ही एक ऐसा मात्र चैनल है जो आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की डे बाय डे की जो है न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है। बात करने वाले हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जाम के रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन भी जो है आउट हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ जो है करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूँ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू ने जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हैं वो 2 अप्रैल 2022 से जो है स्टार्ट होने वाले हैं। आपके अपने कंसर्न कॉलेज जो है इसकी डेट शीट निकालेंगे, ठीक है। जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने कंसर्न कॉलेज जो है उनकी डेट शीट जो है निकालेंगे, ठीक है। 2 अप्रैल से जो है आपके एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में बता दूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने उस पर जो है क्लिक करना है। जम्मू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अभी मैंने जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण वीडियो डाली है, जिसमें आपको बताया कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किस टाइप का पेपर पैटर्न होगा, ठीक है, आपका वाइवा नहीं होगा। साथ में बताया है कि आपको जो है A4 साइज शीट कहाँ पर मिलेगी, PDF कैसे बनानी है, उसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी सारी अपडेट उस वीडियो में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसे जल्दी से जल्दी देख लीजिए। आपके रिगार्डिंग यही अपडेट थी फर्स्ट सेमेस्टर के। अब बात करने वाले हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग। सबसे पहले बता दूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो है नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है। ये ब्लेंडेड मोड, इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जो है एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा किस मोड से जो है आपको एग्जामिनेशन देने हैं और कौन सा प्रोफार्मा जो है आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप जो है एक बार जो ऑप्शन चूज़ कर लिया आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन का, आप कुछ जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का, आप आगे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जो यहाँ पर कितने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो हैं कैंडिडेट्स हैं उनको जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी पेड कॉलेज ने कहा है कि आपको जो क्या करना है, आपको जो है ये जो है फॉर्म फिलअप कर लेना है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो है आपको बनाना है कि आपको किस मोड से जो है एग्जामिनेशन देने हैं। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आपके लिए डेट शीट सेम रहेगी, अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो डेट शीट में जो है बदलाव आ सकते हैं। बात करें अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये देख सकते हैं आप। ये है अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जिसमें आपको है अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर इन बच्चों ने जो है भरा हुआ है, आई विशाल कुमार स्टूडेंट ऑफ BSc, ठीक है, सेमेस्टर अंडर रोल नंबर दिस विल अपीयर इन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मोड से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं जो कि 6 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन, ठीक है। नेम विशाल कुमार, ये अपने अपने कॉलेज का जो है अपना अपना होगा, तो कॉलेज वालों से संपर्क करें और इस फॉर्म को जो है फिलअप कर लें जितनी जल्दी हो सके, तो अपने कॉलेज में जाएँ और फिलअप कर लें इसको और भर लें आपने जिस मोड से एग्जामिनेशन देना है। बात करें आपके वाइवे की, आपका वाइवा होगा 33% जो है आपका वाइवा होना है, 66% जो है आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है, वाइवा ऑफलाइन होगा, इजी मोड से होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, तो जल्दी आपको जो है फुल जानकारी दी जाएगी कि आपको जो है फिफ्थ सेमेस्टर वालों को या थर्ड सेमेस्टर वालों को जो है कैसे एग्जामिनेशन देने हैं। आपके रिगार्डिंग भी कुछ काफी सारे अपडेट आते रहने हैं, तो फ्यूचर के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।